हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग फूड फिटनेस फन एंड दिस इज डायटिशन मंजू मलिक तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को उसी को लेकर आई हूँ उसी क्वेश्चन को और वो है वॉकिंग और जॉगिंग व्हाट इज़ गुड फॉर वेट लॉस सो क्या सिर्फ वॉकिंग करने से आपका वेट लॉस जो है वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे या फिर आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी रनिंग करनी पड़ेगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दोनों ही चीजें बहुत अच्छी फॉर्म है एरोबिक्स के वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो इसे कहा जाएगा चाहे वो वॉकिंग हो चाहे वो रनिंग हो दोनों ही वॉकिंग या जॉगिंग आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है आपके मूड को एनहैंस करता है आपको एनर्जाइज फील कराता है फटीक को कम करता है बी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन हार्मोनल बैलेंस और हार्ट डिज़ीज़ को भी प्रिवेंट करता है सुपरफिकल तरीके से अगर हम बाहरी तौर से देखें तो हर हिसाब से जॉगिंग जो होती है या फिर रनिंग जो होती है वो वेट लॉस के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा सक्सेसफुल हमें दिखाई देती है क्योंकि आपकी ज़्यादा मसल्स उसके अंदर यूज़ होती हैं आप कैलरी ज़्यादा बर्न कर सकते हैं आप कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हाई होती है एनर्जी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके अंदर सो इन शॉर्ट सबको लगता है कि वेट लॉस के लिए रनिंग इज़ बेटर देन वॉकिंग इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज में अपने इंटेंसिटी के हिसाब से कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं ऐसे में रनिंग हमें लगता है कि सबसे अच्छी है ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए बट ऐसा नहीं है उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉकिंग करके और जॉगिंग करके अगर आप एक ही डिस्टेंस अचीव कर रहे हैं यानी अगर आप एक किलोमीटर जॉग करते हैं और एक ही किलोमीटर आप वॉक करते हैं तो आप सेम कैलोरीज़ बर्न करेंगे अगर आप जॉगिंग के साथ कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा वॉकिंग के साथ अगर आप एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं बॉडी की स्ट्रेचेस अपनी मसल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेशली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं तो वॉकिंग भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा रन और ज़्यादा जॉग करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसीलिए वॉकिंग को ज़्यादा सेफ और ज़्यादा कम्फर्टेबल समझा जाता है सो so, अगर वॉकिंग की बात की जाए तो बेनिफिट्स यही हैं कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं यू कैन लास्ट लॉन्गर आप ज़्यादा स्ट्रेच कवर कर सकते हैं ज़्यादा वॉक कर सकते हैं आपकी नीक के लिए सेफ होता है आपके हिप जॉइंट्स के लिए ज्यादा सेफ होता है अगर इन दोनों के बीच के कोई सोल्यूशन की बात की जाए तो एक आता है स्लो जॉगिंग अगर आप स्लो जॉगिंग कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा स्लो जॉगिंग बेसिकली अगर वॉक करते ही टाइम ही अगर आप थोड़ा थोड़ा जंप करके स्लो uh, जॉगिंग करेंगे विद द एक्शन ऑफ रनिंग तो दैट बिकम्स योर स्लो जॉगिंग सो स्लो जॉगिंग करने के लिए आपको ज़्यादा ऊपर पैर नहीं उठाना है शॉर्ट स्टेप लेने हैं शॉर्ट पिच होनी चाहिए फ्लैट पैर को लैंड करना है बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए शोल्डर रिलैक्सड और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है सीधा देखना है कम से कम कुशन या फिर सोल वाले शूज लेने हैं आपको इससे आपके हिप जॉइंट्स पर नीज पर कम प्रेशर आता है आप ब्रीदिंग अपनी नॉर्मल कर सकते हैं अगेन आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं गियर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़ों के लिए वॉकिंग और रनिंग के ऊपर डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी जिसमें आपको सही टेक्निक पॉस्चर उनके बेनिफिट्स साइड इफ़ेक्ट्स राइट गेयर कितना आपको करना चाहिए दिन में और क्या उनका यूज़ है वेट लॉस का वो आपको जानने के लिए या फिर एक और सिंपल मेथड है वॉक रन वॉक या फिर ब्रिस्क वॉक स्लो वॉक नॉर्मल वॉक एंड अगेन ब्रिस्क वॉक तो ये एक छोटा सा मैं आपके साथ वर्कआउट प्लान शेयर कर रही हूँ अगर आप किसी जिम या फिटनेस सेंटर में नहीं जाना चाहते और घर पर अपनी लोकेलिटी में ही रहकर वर्कआउट करना चाहते हैं तो किस तरह का आपका प्लान हो सकता है ये उसका एक छोटा सा मैंने छोटा सा एक प्लान मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है जो आप देख सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया है जहां पर इंक्लाइनड सरफेस है यानी ऊंचाई है फिर ढलाई है फिर ऊंचाई है तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप ऐसी जगह पर वॉक करते हैं तो वेट लॉस के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है जब तो हम इंक्लाइनड करके ट्रेडमिल पे भी वॉक या रन करते हैं तो ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है ज्यादा एनर्जी उसमें लगती है अगर आप ट्रेडमिल पर जॉगिंग वॉकिंग के बेनिफिट्स साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं चाहते हैं कि मैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं कि इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन वॉकिंग एंड जॉगिंग और रनिंग ऑन ट्रेड आप में, क्या चूज़ करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए रनिंग जॉगिंग या फिर सिर्फ वॉकिंग वो आपके पर्पस पे आपके अंदर कितनी एनर्जी है कितना स्टेमिना है कितनी स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन सो so, अगर आप ओल्ड हैं अर्थराइटिस के मरीज हैं या कोई और प्रॉब्लम है आपको तो आपके लिए सेफ यही रहेगा या आपको नी की कोई प्रॉब्लम है जॉइंट की कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए सेफ रहेगा कि आप वॉकिंग करें इंस्टेड ऑफ़ पुटिंग मोर एग्जर्शन ऑन योर बॉडी आप कौन सी स्टेज में हैं वेट लॉस के अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वॉकिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी कंपेयर टू जॉगिंग अगर आप यूज टू हो गए हैं आपने स्ट्रेंथ स्टेमिना एंड्योरेंस गेन कर लिया है तो आप जॉगिंग की तरफ जा सकते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रनिंग इन अ अबाइल आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और शुरू में ही रन करने की कोशिश करेंगे तो आपके मसल पुल हो सकती है आपके कोई नर्व्स पुल हो सकती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका भी ध्यान रखें आप वॉक करें या जॉग करें लेकिन दिन में दस स्टेप आपको लेने चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए और वेट लॉस के लिए आप चाहे वो रनिंग से आप पूरे करें या फिर जॉगिंग से इसके बारे में हम लगातार अपने वेट लॉस चैलेंज के अंदर भी बात करते आ रहे हैं जो हमने जनवरी में वेट लॉस चैलेंज लिया फरवरी में मार्च में तो अगर आप चाहें तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं उसका पूरा लिंक जो है प्ले का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे और उसका अपडेट आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के वेट्स आते हैं जब अपने हाथ पर या अपने पैरों पर बांध कर रन कर सकते हैं उससे या फिर वॉक कर सकते हैं आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और वेट प्लेटू अगर हो रहा है तो उससे भी आप बचेंगे बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप एक्सरसाइज घर पे करते हैं उनमें भी आप इसे अपने बॉडी वेट के साथ टाई करके अपनी बॉडी के साथ टाई करके यूज़ कर सकते हैं तो आप चाहे वॉक करें जॉग करें या रन करें तीनों ही आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन ये कार्डियो है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लीन मसल डेवलप हो आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना गेन हो स्ट्रेंथ गेन हो तो आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की ट्रेनिंग भी और साथ ही रिसिस्टेंट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको योगा करना बहुत जरूरी है तो मिक्स एंड मैच वर्कआउट करेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए बॉडी के लिए अच्छा रहेगा जो लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा जॉगिंग करते हैं उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है स्ट्रेंथ कम हो जाती है उनकी बोन्स के अंदर डेंसिटी वीक हो जाती है दे बोन्स पिक उनका सारा प्रेशर जो आता है वो वहीं पर आता है बोन्स पर सो इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर बोन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल मास ना लॉस हो आपकी जो स्किन है वो डल ना लगे तो आपको अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी ताकि आप अपने गोल्स की और जल्दी आगे बढ़ें अपने गोल्स को आप जल्दी अचीव कर सकें सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो Do not forget to subscribe to my channel. Stay healthy, stay fit, and I'll be back very soon. Bye bye.